हेलो एवरीवन, डे टू रहा 9th ऑफ नवंबर 2024, और आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया आर्टिकल देखेंगे जिसका टाइटल है स्पेशल राइट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पेव्स वे फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस। इट्स आल्सो वेलकम पुशबैक अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट दैट इम्पोज यूनिफॉर्मिटी। तो आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कल एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, एंड दैट इज ए 7-judge bench डिसीजन। And this is the case of relating to AMU minority status. So इसमें इस केस में क्या हुआ है कि बाई ए मेजोरिटी ऑफ 4-3 सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है द जजमेंट ऑफ देर इज ए अनदर जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट कनेक्टेड टू दिस दैट इज अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स ए डिसीजन ऑफ 1967। तो अजीज भाषा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन को इसमें ओवरटर्न किया गया है। अब देखो अजीज भाषा में क्या बोला गया था, उसमें 5-judge bench ने हेल्ड किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये क्वालिफाई नहीं करता है टू बी ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये ना ही इस्टेब्लिश किया गया है ना ही एडमिनिस्टर किया जाता है बाई द मुस्लिम कम्युनिटी। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि इंस्टीट्यूशन को दो क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा टू क्वालिफाई ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 31। पहला, इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड, एंड द सेकंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, लेट मी शो यू आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अजीज भाषा में यही बोला गया कि ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, पहला कि वो इस्टैब्लिश होना चाहिए एंड इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाई मुस्लिम कम्युनिटी अगर इफ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज़ टू क्वालिफाई फॉर अ माइनॉरिटी स्टेटस। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में क्या है कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बना है, ओके, दैट वी विल सी इन डिटेल व्हेन वी विल कम टू द मेन टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस। ऑन फ्राइडे द सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ डिजिग्नेटिंग द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बट इट्स 4-3 वर्डिक्ट हैज प्रोवाइडेड अ फर्म जुरिसप्रूडेंशियल बैकिंग फॉर क्लियरिंग द कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड एएमयू स्टेटस। इट लेज द ग्राउंड फॉर सेटिस्फाइंग द यूनिवर्सिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेस्ट टू डिफाइन इट सेल्फ एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। द जजमेंट रिवर्सेस द 1967 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ एस अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट देन रिलाइड ऑन द टेक्निकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द गारंटी टू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन आर्टिकल 30 टू एस्टैब्लिश एंड रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अजीज बासा में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पर रिलाई की थी आर्टिकल 30 का, टेक्निकल जो उसका जो टेक्निकल मतलब होता है, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है, उस पर रिलाई कर रही थी। एंड उसमें क्या बोला था कि ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा इफ़ एनी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू क्वालिफाई एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इट हैड रूल्ड, एंड अब देखो अजीज भाषा में क्या रूल किया गया था, इट हैड रूल्ड दैट द एएमयू वाज नीदर एस्टैब्लिश नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम, दो द यूनिवर्सिटी इवॉल्व from the Muhammadan Anglo Oriental College founded by Sayyid Ahmad Khan in 1877, the court had held that the institution's legal status rested on AMU Act 1920. This legislation incorporated the Social Reformer College and another educational body into one university. तो आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसने इस्टेब्लिश किया था, बाई इट वॉज इस्टेब्लिश बाई सर सैयद अहमद खान। तो इसका इवोल्यूशन जरूर मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, जो सैयद अहमद खान के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था उसमें इसका ओरिजिन है, लेकिन कोर्ट उसमें ये हेल्ड करा कि जो इंस्टीट्यूशन का जो लीगल स्टेटस है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो लीगल स्टेटस है, वो मेनली रेस्ट कहाँ पे करता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 से। एंड इसी लेजिस्लेशन के थ्रू इस यूनिवर्सिटी को और दूसरे एजुकेशनल बॉडी है सबको क्लब करके एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। द अजीज बासा वर्डिक्ट कंक्लूडेड दैट एएमयू वाज
एक्चुअली इस्टेब्लिश बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्ट लेटर अमेंडेड बाई टू पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द एम यू हैड सरेंडर्ड इट्स माइनॉरिटी स्टेटस टू द गवर्नमेंट. तो अजीज भाषा में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ये बात बोली कि एम यू अपना माइनॉरिटी स्टेटस को गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का एक्ट से वो इस्टेब्लिश हुआ है. फ्राइडे वर्डिक्ट इन कॉन्ट्रास्ट ड्रॉज ऑन ए मोर लिबरल रीडिंग ऑफ आर्टिकल 30 टू पॉइंट आउट दैट द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड इफ दे आर कन्फर्ड लीगल कैरेक्टर बाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. अब देखो, पहले अजीज भाषा में टेक्निकल इंटरप्रिटेशन किया गया था आर्टिकल 30 का. कल का जो डिसीजन आया है 7 जज बेंच का, उसमें इसका एक लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया है आर्टिकल 30 का. एंड उसमें ये बोला है कि अगर किसी गवर्नमेंट का स्टैट्यूट से, किसी गवर्नमेंट के एक्ट से है, किसी इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी मिलता है, लीगल कैरेक्टर मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म हो जाएगा. तो अब देख रहे हो कि ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द स्टैंड विच द सुप्रीम कोर्ट टूक इन अजीज भाषा. In 1981, Parliament amended the AMU Act to negate the 1967 judgment. The 2005, the university drew on this legislation to reserve 50% of the seat in postgraduate medical colleges to Muslim student. The Supreme Court, the decision was challenged before the Allahabad High Court, which relied on the Supreme Court 1967 verdict to rule that the AMU was not a minority institution. तो देखो, अजीज बादशाह के डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए 1981 में पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है, एएमयू एक्ट को अमेंड करती है, ताकि जो 1967 के डिसीजन के बाद जो उसका माइनॉरिटी स्टेटस खो गया था, उस चीज़ को फिर से लागू कर देती है. 2005 में क्या होता है, यूनिवर्सिटी इस लेजिस्लेशन पर रिलाई करके 50% जो सीट है पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मेडिकल वहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन है उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सीट्स हैं उसको रिजर्व कर देती है फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट. अब इस चीज़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, एंड उस चैलेंज में अजीज बादशाह का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में दिया था, उस पर रिलाई कर किया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो लीगल कैरेक्टर तो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, जो कि अजीज भाषा में हेल्ड हुआ था. द हाईकोर्ट स्ट्रक ऑन द रिजर्वेशन. द वर्डिक्ट वाज इमीडिएटली चैलेंज बाय द देन यूपी गवर्नमेंट एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी. अब हाईकोर्ट जो है पिटिशनर के कंटेंशन को मान लेती है और रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर लेती है. एंड इस वर्डिक्ट को इमीडिएटली जो उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी सेंटर में, वो इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है. But the AMU lost the center backing after the Narendra Modi led NDA assumed office. But 2016, the Union government withdrew the case contending that it did not acknowledge AMU minority character. लेकिन जब ये 2014 के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने केस को वापस ले लिया. उन्होंने बोला कि हम AMU का माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं मानते हैं. Friday verdict draws on constitutional debate and the Supreme Court earlier jurisprudence to arrive at an expansive and inclusive interpretation of Article 30 to insulate the university from push and pull of dominant politics of the day. The purpose of the article is to guarantee a special right to religious and linguistic minority that have established an educational institution. This special right is the guarantee of limited state regulation in the administration of institution. तो आर्टिकल 30 का जो राइट है, यह स्पेशल राइट देता है जो भी लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी है कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो. एंड ये स्पेशल राइट से होता क्या है, स्पेशल राइट से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर के पावर के ऊपर एक कर्टेलमेंट होता है ना, उस पर उसका पावर को कंटेन करता है ना? उसको रोकता है इनक्रोच करने से अपॉन द यूनिवर्सिटी, है ना, कि आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में आप स्टेट जो है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है. द स्टेट मस्ट ग्रांट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सफिशियंट ऑटोनोमी टू इनेबल इट टू प्रोटेक्ट द एसेंशियल ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर. छीजा चंदचूर हुआ था द मेजोरिटी वर्डिक सेट. तो जो मेजोरिटी वर्डिक चीफ जस्टिस चंदचूर उन्होंने ऑथर किया है, उन्होंने बोला कि स्टेट को
सफिशियंट ऑटोनोमी देना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को, ताकि उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो बना रहे. एंड दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एनी इंस्टीट्यूशन. अगर उसको आप इंडिपेंडेंस नहीं दोगे, उसका ऑटोनोमी अगर आप छीन लोगे, तो फिर उसका माइनॉरिटी होने का कोई मतलब नहीं बनता है. आप उसको बस बोल दोगे कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बट दे डू नॉट हैव एनी ऑटोनोमी, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? फ्राइडेज वर्डिक्ट गिव एएमयू द ऑटोनोमी टू फ्रेम इट्स रिक्रूटमेंट एंड एकेडमिक पॉलिसी. फ्राइडे ये जो जजमेंट आया है, इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी मिल गया है कि वो अपना रिक्रूटमेंट और एकेडमिक पॉलिसीज को फिर से फ्रेम कर सकते हैं. द कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30 इज सैल्यूटरी एट ए टाइम व्हेन द ड्राइव फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल लॉ फॉर ऑल कम्युनिटी इज पिकिंग अप पेस. सेंटर एंड द सेवरल स्टेट एलिमेंट आर पुशिंग फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड द यूसीसी इन द स्टैट्यूट बुक एट ऑफ एटलीस्ट वन स्टेट. तो इस आर्टिकल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस चीज़ को प्रेज किया जा रहा है कि ये एक ऐसे समय में आया है जब सारे स्टेट एंड इवन सेंटर पुश कर रही है फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए देश में, है ना. एंड सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे ये लिखा है कि यूसीसी इन द स्टैट्यूट बुक ऑफ एटलीस्ट वन स्टेट. तो उत्तराखंड में आपको पता है कि यूसीसी लागू कर दिया गया है ना, पार्शियली. एंड गोवा में तो पहले से है, राइट? इन ए लार्ज कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी द एग्जीक्यूटिव वुड डू वेल टू टेक द क्यू प्रोमिस इम्फेसिस ऑन स्पेशल और एडिशनल प्रोटेक्शन टू इंश्योर द कल्चरल फैब्रिक ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. तो जैसा हमारा डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो कल्चरल फैब्रिक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल एडिशनल प्रोटेक्शन दिया गया है, ओके, बाय वर्च्यू ऑफ वेदर, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, उस चीज़ को एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पेक्ट करे, है ना, ताकि वो जिस पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उसको इंक्लूड करा था, सो दैट द माइनॉरिटी फील सेफ इन द कंट्री, वो उनका उनका जो ट्रस्ट था, है ना, वो बना रहे, राइट? सो दिस वॉज इट गाइज. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आवर व्हाट्सएप चैनल, लिंक ऑफ विच यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.